नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है, उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर है, ये है नामी गिरामी। जेपीसी में मैं बैठूंगा एक मेंबर, समझो तो प्रधानमंत्री आएगा या कोई भी मंत्री आएगा तो मैं उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन तो करूंगा, कपड़े उतार दूंगा, आने दो, नहीं आएंगे वो पीएसी में नहीं होगा ये काम। दिस इज द मेजर थिंग, यू विल हैव टू सबमिट टू इंट्रोगेशन बिफोर जेपीसी। ये आवाज एक समय देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक रहे राम जेठ मलानी की है। राम जेठ मलानी किसी को भी इंटरोगेट करने से नहीं चूकते थे। राजीव गांधी से बोफोर्स मामले में उन्होंने सैकड़ों सवालों की संसद में झड़ी लगा दी थी। इंदिरा गांधी का मामला हो या अपनी ही पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, राम जेठ मलानी जो कहते थे डंके की चोट पर कहते थे। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश नामी गिरामी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आपकी माना और मेरी माना में कुछ फर्क होगा और जो सुनने वाले हैं उनकी तीसरा इंटरप्रिटेशन होगा। द व्यूअर्स थिंक वो सेंसेशनल क्रिमिनल केस हो, कोई बड़ा लव अफेयर हो, कोई मर्डर हो, आप सम दैट इज इंपॉर्टेंट, नथिंग ऑन द काइंड, दैट मेक्स नो डिफरेंस टू मी एट ऑल। आई हैव डन मेनी सच केसेस। राम जेठ मलानी कौन थे? आज की पीढ़ी जिसने वकालत नहीं पढ़ी या उसका इंटरेस्ट उसमें ना हो, अगर उसे जानना हो तो उसने अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम देखी होगी। उसका एक परिचय तो राम जेठ मलानी से उसकी मार्फत जरूर होगा। ये फिल्म जिस केस से प्रेरित होकर बनी उसे राम जेठ मलानी ने ही लड़ा था। केस था नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार का। ये केस राम जेठ मलानी का पहला बड़ा केस था। इस केस के बाद राम जेठ मलानी का नाम देश भर में छा गया था। राम जेठ मलानी ने महज 13 साल की उम्र में मैट्रिक और 17 साल की उम्र में वकालत की पढ़ाई पूरी की, लेकिन बार काउंसिल का नियम था कि 21 वर्ष की उम्र से पहले किसी व्यक्ति को वकालत करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कराची हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपनी बात रखने का मौका मांगा। जेठ मलानी की प्रतिभा और तार्किक योग्यता देखिए कि उस मुलाकात के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया और 18 साल की उम्र में ही राम जेठ मलानी को वकालत का लाइसेंस जारी कर दिया गया। संभवतः 18 साल की उम्र में वकालत शुरू करने वाले वो देश के पहले और आखिरी व्यक्ति होंगे। धीरे धीरे ये नौजवान देश का सबसे चर्चित, सबसे बड़ा और सबसे महंगा वकील बन गया। राम जेठ मलानी का नाम लेते हुए लोगों का मुंह खुला रह जाता था। उन्होंने भारतीय इतिहास में वकालत का लंबा सफर तय किया है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। कराची से वकालत शुरू करने वाले राम जेठ मलानी जब विभाजन के बाद भारत आए तो शरणार्थी शिविर में रहे। शुरुआत में 60 रुपए में कुर्सी मेज लगाकर केस लेने वाले राम जेठ मलानी इतने बड़े वकील बन गए कि उनसे अपना केस लड़वाने के लिए न मालूम कितनी कुर्सी और मेज लोगों ने लगाई होंगी। उनकी प्रसिद्धि में ऐसे केसेस का योगदान भी रहा जो बेहद विवादित रहे। अंडरवर्ल्ड डॉन, हाजी मस्तान, हर्षद मेहता और केतन पारिक, जैसिका लाल हत्याकांड में मनु शर्मा, राजीव गांधी के हत्यारे, इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल लोग, यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम बापू, चारा घोटाले में लालू यादव, अवैध खनन मामले में येदुरप्पा और आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता समेत न मालूम कितने लोगों की पैरवी उन्होंने की। एडवोकेट अवनी बंसल कहती हैं कि इसकी वजह ये थी कि राम जेठ मलानी ने कभी अपने पेशे के आड़े पब्लिक सेइंग को आने ही नहीं दिया। वकील जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ वकील ये कहते हैं कि मेरा काम है वकालत, मेरा पेशा है कि जो भी क्लाइंट मेरे पास आता है उसका पक्ष सही तरीके से, बेस्ट तरीके से जो है वो मैं कोर्ट के सामने पेश करूं। और कुछ वकील ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ऐसा क्लाइंट या ऐसा मामला जिसमें मेरी आत्मा गवारा ना करे उसमें मैं पेश नहीं हूंगा। राम जेठ मलानी साहब मेरे ख्याल से पहले वाली कैटेगरी में थे, और आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें ये अलग बात है, लेकिन एक वकील के रूप में जितनी संजीदगी, जितनी गहराई से उन्होंने वकालत का पेशा जो है वो अपनाया और उसमें जिस प्रकार से अपने जिसे कहा जाए लॉजिकल एबिलिटीज और लीगल
इंटेलेक्चुअल पावर का सबूत दिया वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अनपैरेलल था। मैं चाहती हूँ कि जब कभी लोग राम जेठमलानी की बात करें तो ये ज़रूर याद रखें कि वकालत के दम पे और कानून के दम पे जो है किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से राम जेठमलानी जो है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति भी थे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और उन्होंने काफ़ी अनपॉपुलर चॉइसेस करी। तो जो एक चीज़ यदि आप मुझसे पूछेगा, कोई एक चीज़ यदि जो अलग से उनकी यूएसपी है या जो अलग से उन्हें दूसरों से भिन्न बनाती है, तो वो मेरे ख्याल से ये है कि राम जेठमलानी जो हैं उन्होंने कभी लोग क्या कहेंगे इस बात पर तवज्जो नहीं दी। उनकी आत्मा ने जो कहा वो वे करते गए, और ये जो है वो राम जेठमलानी को एक बड़ा ही यूनिक पर्सनैलिटी और कैरेक्टर देता है। राम जेठमलानी को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि राम जेठमलानी तथ्यों को इस तरह से पेश करते थे कि सामने वाले को वही सच लगता था जो वो कहते थे। मैं उन केसेस की डिटेल्स में यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके साथी वकील बताते हैं कि कई बार वो जज तक को झिड़की लगा देते थे कि जज की उम्र से ज्यादा उनका अनुभव है। उनका अंदाज बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता था। उनका किससे कब मुंह भंग हो जाए और कब किस पर दिल आ जाए पता नहीं रहता था। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की खिलाफत से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले जेठमलानी ने जीवन के आखिरी चरण में नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी के पक्ष में पैरवी के लिए हामी भर दी थी। इसी तरह कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का समर्थन किया था, तो बाद में अपने ही फैसले पर गिल्ट जताते हुए नजर आए। सुहराबुद्दीन एनकाउंटर में अमित शाह की तरफ से उन्होंने अदालत में पैरवी की, तो बाद में उनके आलोचक भी बने। इसी तरह जब अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर आरोप लगाया कि जेटली ने दिल्ली क्रिकेट के मुखिया होने के समय भ्रष्टाचार किया था, तो अरुण जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राम जेठमलानी ने केजरीवाल की तरफ से मामले की पैरवी की थी। कुछ समय बाद न मालूम क्या हुआ कि जेठमलानी ने कह दिया कि अब वो दोबारा कभी केजरीवाल की तरफ से केस नहीं लड़ेंगे। वैसे इन सबसे अलग कुल मिलाकर देखिए तो अधिकतर मामलों में राम जेठमलानी ने अपने क्लाइंट्स को जीत दिलाई, फिर चाहे वो केस कैसा भी रहा हो। यहाँ तक कि 70 से 80 के दशक में उन्हें स्मगलरों का वकील तक कहा जाने लगा था। लेकिन इन सब के बावजूद राम जेठमलानी का ओहदा इतना बड़ा होता चला गया कि वो युवाओं से लेकर कानून से राबता रखने वाले हर आदमी के लिए मिसाल बनते चले गए। ऐसे ही एक युवा वकील हैं सुमित शेखर पांडे, पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। उनके लिए राम जेठमलानी नाम के क्या मायने हैं, सुनिए। राम जेठमलानी दरअसल युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे। इसका कारण ये है कि उनकी वकालत का दायरा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक सीमित था, बल्कि नीचे से लेके ऊपर तक, यानी ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक उनके वकालत का दायरा बहुत बड़ा था। दूसरी बात ये कि राम साहब हर लॉ के फील्ड में एक्सपर्टीज रखते थे, जैसे कि सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, टैक्सेशन हो। तो ये हम लोगों को, हम जैसे युवा वकीलों को सीखने की आवश्यकता है कि जब हम देखते हैं कि एक वकील हर फील्ड में किसी भी तरह के मैटर्स हो उनको डील कर सकता है, और न सिर्फ डील कर सकता है बल्कि उनके लिए बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स भी सेट कर सकता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि राम साहब जो हैं वो एक सेल्फ कंटेन या यूं कहें एक अकॉम्प्लिश्ड एडवोकेट के फॉर्म में उभरे। दूसरी बात, राम साहब कभी भी पब्लिक परसेप्शन या प्री कॉन्सिप्ट नोशन से गाइड नहीं होते थे। राम साहब का एक अपना पर्सनल बिलीफ था कि मुझे कौन सा मैटर करना है, कौन सा मैटर नहीं करना है। आप मैटर का बिलीफ देखिए, मैटर का ट्रूथ देखिए, उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ मैटर आपको करने के लायक है तो आपको करना चाहिए। इस वजह से उनको बहुत बार मैवेरिक भी कहा जाता है। तीसरी बात, राम साहब आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के काफ़ी धनी वकील थे। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है, किसी भी गवाह को, चाहे वो चश्मदीद गवाह हो, कितने भी नज़दीक से उसने घटना को देखा हो, कटघरे में उसे कैसे वो चीज़ें उगलवा लेनी है जो डिफेंस के लिए काम आए, ये सब हुनर राम साहब को बखूबी आता था। ये सारी चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मोटा मोटी हर युवा वकील को राम साहब से ये सब चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। जेठमलानी जब वकालत करते थे तो चर्चा रहती थी कि न्यायालय में सिर्फ एक दिन की उनकी फीस 10 लाख से 30 लाख रुपए तक होती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि उन्होंने फ्री में भी लोगों के लिए केसेस लड़े हैं। वैसे राम जेठमलानी से जब भी पूछा जाता है कि आपने ये केस अपने हाथ में ये जानते हुए भी लिया कि फलां व्यक्ति दोषी है, तो वो एक ही जवाब दिया करते, ऐसा आप समझते हैं। मामला अदालत में है और दोषी होने या ना होने का फैसला सिर्फ न्यायालय करती है।
आई एम जस्ट अ लॉयर वकील को ये फैसला करने का अधिकार नहीं है। वैसे अपने व्यक्तिगत जीवन और महिला मित्रों को लेकर भी वो काफी चर्चा में रहे, लेकिन वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर टिप्पणी करना मेरे या किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विवाद भी काफी रहे, लेकिन इन तमाम विवादों के बाद भी हकीकत यही है कि भारतीय न्यायिक इतिहास में राम जेठमलानी के नाम भले संविधान को व्याख्यायित करने वाला कोई फैसला ना हो, लेकिन जितने मामलों में उनका नाम जुड़ा वो राम जेठमलानी के नाम के साथ अविश्वसनीय और अभूतपूर्व जोड़ने के लिए काफी है। तो ये था आज का नामी गिरामी। आपको हमारे ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। आज के कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।